16 मोड यूनिवर्सल बाइक हैजर्ड फ्लैशर फॉर ऑल मोटरसाइकिल। हे फ्रेंड्स, क्या आपको चाहिए एक हैजर्ड फ्लैशर और ओवी वाटरप्रूफ एंड 16 पैटर्न फ्लैशर रिले फॉर एलईडी एंड बल्ब इंडिकेटर्स? तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन डायग्राम विथ इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। For more latest video, please like and subscribe us and don't forget to click on bell icon. Unboxing. सो गाइस, ये रहा मेरा 16 मोड यूनिवर्सल बाइक हैजर्ड फ्लैशर। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने खरीदा है amazon.com से और ये मुझे कुछ दिन पहले ही मिला है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, और अगर आपको ये खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। तो चलिए जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं। सो गाइस, ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो चलिए कुछ मैनुअल वगैरह है या नहीं है देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे तो कोई मैनुअल नहीं दिया गया है, तो चलिए जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा वाटरप्रूफ 16 पैटर्न फ्लैशर रैली फॉर एलईडी और बल्ब जो इंडिकेटर है, कोई भी जो है आपका उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको पीछे देखा है तो यहाँ पे दो आपका लो सिग्नल रिले दिया गया है, तो ये यूज़ होता है इसमें। तो चलिए इसका जो फ्रंट है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डायग्राम जो है वो दिया गया है। तो ये है आपका मैनुअल, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ पे है इसका ब्रांड नेम निस्थी बोल के। तो चलिए इसका जो वायर है उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है वो है आपका नेगेटिव, और यहाँ पे जो रेड कलर का वायर आपको मिलेगा वो है आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको दो येलो कलर का वायर मिलेगा जो आपका जो इंडिकेटर है उसमें जाएगा। तो इतना ही है। तो चलिए जो इंस्टॉलेशन है उसको देखते हैं। सो पहले आपका जो हेडलाइट है उसको आपको रिमूव करना है, तो चलिए हेडलाइट को रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो डिवाइस है उसका जो वायर्स है, तो चलिए इसका जो वायरिंग डायग्राम है उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है उसका जो रेड कलर का वायर है, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एक वायर मिलेगा, और दो आपका येलो कलर का वायर मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है वो है आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे ब्लैक जो है वो है आपका नेगेटिव, और येलो जो है वो आपका इंडिकेटर में जाता है। तो जो आपका रेड कलर का वायर है वो आपका जाएगा जो की है, की का जो प्लग है वहाँ पे जो आपका पॉजिटिव वायर है उसमें जाएगा। तो आपका जो की का जो मेन प्लग है उसका जो पॉजिटिव है उसके साथ आपका जो रेड कलर का वायर है उसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका जो इग्निशन है या आपका जो मेन की है उसका जो पॉजिटिव है उसको फाइंड करना है, और उसके अंदर आपका जो रेड कलर का वायर है उसको आपको डालना है, और उसके बाद आएगा येलो वायर। तो यहाँ पे आपको दो येलो वायर है उसको आपको डालना है आपका जो टर्न इंडिकेटर है उसमें। तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर में दो वायर डालना है। आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको जो लेफ्ट एंड राइट वाला टर्न इंडिकेटर है उसमें दो येलो वायर जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको दो मिलेगा, और इसके बाद जो ब्लैक कलर का वायर है वो जाएगा स्विच में, और ये स्विच होके कोई भी नेगेटिव जो वायर है उसमें आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फ्लैशर रिले है उसमें मैं डाल रहा हूँ, मोटरसाइकिल जो फ्लैशर रिले है उसमें डाल रहा हूँ। तो फ्लैशर रिले का जो नेगेटिव है उसमें मैं इसको डाल रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हो। तो ऐसे जो इसका डायग्राम है ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे आपको ये करना है। तो पहले जो रेड कलर का वायर है वो जाएगा आपका इग्निशन या की में, और उसके बाद येलो जाएगा टर्न में, और जो ब्लैक है वो स्विच होके आपका फ्लैशर में जाएगा। तो इतना ही काम है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे जो येलो वायर है उसको मैं डाल रहा हूँ जो टर्न इंडिकेटर है लेफ्ट एंड राइट, तो उसमें। तो यहाँ पे जो येलो है उसको आपको टर्न में डालना है, और उसके बाद आपको डालना है जो आपका रेड कलर का वायर है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है वो जा रहा है मेरा जो की का जो मेन प्लग है उसमें। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन सा पॉजिटिव है उसमें आपको इसको डालना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास हॉर्नेट है तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड कलर का एक वायर मिलेगा, उसको में आपको इसको डालना है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको हॉर्नेट का जो डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड कलर का मिलेगा, देख सकते हो ये वाला जो वायर है इसमें आपको डालना है पॉजिटिव।
तो चलिए एक बार रिपीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इसका डिवाइस, और डिवाइस का जो येलो वायर है वो आपका जा रहा है आपका जो टर्न इंडिकेटर है, तो ये रहा लेफ्ट और यह रहा राइट जो इंडिकेटर है उसमें जा रहा है। और उसके बाद जो रेड कलर का वायर है वो जा रहा है आपका जो की का मेन प्लग है उसका जो पॉजिटिव है उसमें जा रहा है। और उसके बाद जो ब्लैक कलर का वायर है वो स्विच होके वो जो नेगेटिव है फ्लैशर जो रिले का नेगेटिव है उसमें जा रहा है। तो इतना ही काम है आपको, यही करना है आपको। तो चलिए जो काम है उसको कम्प्लीट करते और उसके बाद आपको रिजल्ट आपको दिखाते। और इस वीडियो में मुझे हेल्प कर रहा है सुमन भाई, तो सुमन भाई के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो यहाँ पे मैं 500 लाइक का जो टारगेट है वो रख रहा हूँ। तो गाइस आप लोग लाइक कर दीजिए और ये जो वीडियो है इसको शेयर कर लीजिए। तो भाई लोग चलिए जो इसका हेडलाइट है उसको पहले जोड़ते हैं और उसके बाद इसका जो लुक्स है उसको दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है, तो इसका लुक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है 16 डिफरेंट पैटर्न्स और इस रेंज में ये बहुत ही अमेजिंग है। और ये आप कोई भी इमरजेंसी हो उसमें यूज़ कर सकते हो, लाइक हैवी रेन हो रहा है या फॉगी वेदर हो या आपको इमरजेंसी रोड साइड पार्किंग करना है तो इसको यूज़ कर सकते हो। बट इसको बेकार में यूज़ मत कीजिए रोड में, तो इससे फाइन भी लग सकता है आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे भाई लोग, अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा मोटिवेशन टिप्स एंड लेटेस्ट स्टिकरिंग वीडियो, और यहाँ से आपको स्टिकर फाइल फ्री में मिलेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।